बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको फजी लॉजिक एंड एप्लीकेशन के कोर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खुश व खुर्रम होंगे और इस कोर्स को खूब इंजॉय कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, न्यू सेगमेंट में अभी तक आपने डिस्टेंस बिटवीन टू फजी सेट्स में उसको डिफाइन किया और फिर उसकी कुछ एप्लीकेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ उसको सॉल्व किया। अभी तक हमने दो एग्जांपल्स जो हैं वो फजी सेट्स के बारे में की हैं और अब आप लोगों ने इससे नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है फजी सेट की उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उस एक्सटेंशन को आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और आज हमने उस एक्सटेंशन का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों ने इंट्यूशनिक फजी सेट जो है उसको पढ़ा हुआ है जी। इसकी डेफिनेशन जो है वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इंट्यूशनिक फजी सेट की डेफिनेशन आपके सामने स्लाइड पे नज़र आ रही है। एन इंट्यूशनिक फजी सेट आई और एक्स इज गिवन एज आई इज इक्वल टू पेयर ऑफ म्यू आई एक्स कॉमा न्यू आई एक्स सच दैट एक्स आई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, वेयर कैपिटल एस इज अ यूनिवर्सल सेट विच हैज़ एलिमेंट्स एक्स वन कॉमा एक्स टू एंड सो ऑन कॉमा एक्स एन, वेयर न्यू आई एक्स सच दैट एक्स अप्रोच टू जीरो कॉमा वन इट क्लोज्ड इंटरवल, और इस तरह न्यू एक्स जो है वो भी 0.1 क्लोज इंटरवल से बिलोंग करेगा। और इसकी एक कंडीशन है, यहाँ पर म्यू आई एक्स प्लस न्यू आई एक्स होगा, उन दोनों का सम जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। और न्यू आई एक्स और न्यू आई एक्स जो है इनको आप ऑलरेडी इससे आप फेमिलियर हैं। इनको हम क्या कहते हैं, म्यू आई एक्स को मेंबरशिप डिग्री या मेंबरशिप वैल्यू और न्यू आई एक्स को नॉन मेंबरशिप डिग्री। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंट्यूशनिक फजी सेट की जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है कि इनकी मेंबरशिप वैल्यू और नॉन मेंबरशिप वैल्यू का सम जो होगा वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 और लेस दैन इक्वल्स टू 1 होगा। और इसकी एक एग्जांपल जो है वो कुछ मैंने पहले भी आपको ग्राफिकली जो है वो बताई थी, जैसे आपके पास एग्जांपल नंबर 1 में यस कि इसमें हमारे पास जो है वो मैंने तो सिर्फ फजी सेट को डिस्कस किया था लेकिन साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर आप एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो ये इसकी मेंबरशिप वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कि एल जो है इसकी मेंबरशिप वैल्यू 1/3 है, एम जो है इसकी मेंबरशिप वैल्यू 1/2 है और एन जो है इसकी मेंबरशिप वैल्यू 2/3 है। और इसके क्रॉस्पॉन्डिंग अगर आप वाई एक्सिस पर जाते हैं तो ये मैंने बताया था कि नॉन मेंबरशिप वैल्यूज है। तो एल जो है उसकी मेंबरशिप वैल्यू 1/3 है, तो अगर आप इसको 1 से माइनस कर लेते हैं तो ये 2/3 आ जाएगा, तो ये इसकी नॉन मेंबरशिप वैल्यू आ जाएगी। इस तरह एम जो है इसकी भी नॉन मेंबरशिप वैल्यू 1/2 जो है उसको 1 से माइनस करें तो वो भी आपके पास 1/2 आ जाएगा। और एन की जो मेंबरशिप वैल्यू अगर 2/3 है तो उसकी नॉन मेंबरशिप वैल्यू 1 से माइनस करके आप 1/3 जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे। तो ग्राफिकली जो है वो आपके पास ये इसकी रिप्रेजेंटेशन बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंट्यूशनिक फजी सेट जो है अगर आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो एक आपके पास तरह से ट्राइंगल फॉर्म करेगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने डिस्टेंस बिटवीन टू फजी सेट टू इंट्यूशनिक फजी सेट जो है उसको डिस्कस करना। तो सेम फार्मूला जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ चुके हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ चुके हैं और उसके साथ आप मैक्स एंड मिन जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो है हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू इंट्यूशनिक फजी सेट्स और यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन टू इंट्यूशनिक फजी सेट्स जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल जो है उसको कंसीडर करेंगे। जैसा कि आपके सामने ये स्क्रीन पे एक स्लाइड जो है वो नज़र आ रही है जिसमें हमने एग्जांपल नंबर 3 जो है उसको डिस्कस किया है कि अगर आपके पास
let us consider two intuitionic fuzzy sets A and B in the set X is equal to 1, 2, 3, 2, 7. तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट में अब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 7 है, तो n जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और n की आपको कब जरूरत पड़ती है, जब आप उसको नॉर्मलाइज डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, अगर आपके पास सेट A जो है उसमें हमने ये एलिमेंट्स दिए हैं 0.7, 0.3 अपॉन 1, तो 1 जो है वो क्या है, वो आपके पास यूनिवर्सल सेट X से लिया है हमने, कि 1 के क्रॉस पेंडिंग जो आपके पास मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप वैल्यूज है वो 0.7, 0.3 है, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग जो मेंबरशिप वैल्यूज है वो 0.2, 0.8 है, और इस तरह 4 के क्रॉसपॉन्डिंग 5 और 6 के क्रॉसपॉन्डिंग, और सेट B जो है वो भी आपके पास 1, 4, 5 और 7 के क्रॉसपॉन्डिंग जो है उसकी मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप वैल्यूज जो है वो बताई गई। तो इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस, हैमिंग डिस्टेंस जो है वो बिटवीन ए एंड बी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला आप ऑलरेडी जो है वो लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, कि समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी ऑफ एक्स आई। तो या जैसे आपने यहाँ पर मेंबरशिप वैल्यूज़ को माइनस किया है, उसी तरह हम नॉन मेंबरशिप वैल्यूज़ को भी साथ माइनस करेंगे, तो फिर आपका एक एलिमेंट जो है उसका डिस्टेंस जो होगा वो मुकम्मल होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेंबरशिप वैल्यूज़ पहले एलिमेंट की और फिर नॉन मेंबरशिप वैल्यू जो है पहले एलिमेंट की, उनको आपस में माइनस करेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, और फिर उन सब का जो है, अगर आपके पास एन की होगा यहाँ से 1 to 7 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 से लेकर 7 तक जो एलिमेंट्स आएंगे उन सब का डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करके उनको हम ऐड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फाइंड करते हैं डिस्टेंस। पहले हम फर्स्ट एलिमेंट्स को जो है वो चूज़ करते हैं, कि उसमें आपके पास 0.7 और 0.3 जो है क्रॉसपॉन्डिंग टू 1, तो वो आपके पास मेंबरशिप वैल्यू इसमें क्या है, यस 0.7, और नॉन मेंबरशिप वैल्यू जो है वो क्या है, 0.3। तो पहले हम मेंबरशिप वैल्यू जो है उसको बी के एलिमेंट के मेंबरशिप वैल्यू जो है वो आपके पास 0.2 है, और इसी तरह से नॉन मेंबरशिप वैल्यू 0.8 है। तो मेंबरशिप वैल्यूज़ को पहले माइनस करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू 0.7 माइनस 0.2 कर दिया आपने, प्लस नॉन मेंबरशिप वैल्यू 0.3 माइनस 0.8 कर दिया। यहाँ पर आप देखें कि 0.7 माइनस 0.2 प्लस 0.3 माइनस 0.8, ये आपने फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 1 जो है इसको यूज किया। इसके बाद देखें आपके पास नेक्स्ट जो है वो एलिमेंट 2 है, ठीक है। आप देखें 2 जो है वो एक्स की जो है वैल्यू है, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप वैल्यू जो है वो 0.2 एंड 0.8 है। लेकिन डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें सेट बी में आपके पास 2 नहीं है, तो फिर आपको सेट बी में 2 जो है उसके लिए जो मेंबरशिप वैल्यू और नॉन मेंबरशिप वैल्यू वो आपने पास से चूज़ करनी पड़ेगी। तो हम 0 और 1 में से कोई भी 0 और 1 जो है वो आमतौर पर चूज़ कर लेते हैं। तो इसमें हमने मेंबरशिप वैल्यू जो है वो 0 सपोज कर लेते हैं और नॉन मेंबरशिप वैल्यू जो है वो 1 सपोज कर लेते हैं। तो अब देखें यहाँ पर आपने 0.2 माइनस 0.0 कर दिया, क्योंकि मेंबरशिप वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपने खुद सपोज करनी है, तो वो हमने 0 सपोज की है। आप 1 भी ले सकते हैं, अगर आप मेंबरशिप वैल्यू 1 लेंगे तो नॉन मेंबरशिप वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उन दोनों का सम जो है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। तो 0.2 माइनस 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 0.8 माइनस 1। फिर इसके बाद आप देखें जो आपके पास 4 है, ठीक है, तो 4 के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पर भी आपके पास 4 आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो फाइंड करते हैं 0.6 माइनस 0.6 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस, और प्लस 0.4 माइनस 0.4। फिर आप देखें नेक्स्ट जो आपके पास है वो 5 के क्रॉसपॉन्डिंग मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप वैल्यू है, और इधर भी आपके पास 5 है, तो इधर आप क्या करेंगे, 0.5 माइनस 0.8 मेंबरशिप वैल्यूज को माइनस कर लिया, और प्लस 0.5 माइनस 0.2 नॉन मेंबरशिप वैल्यू जो है उनको माइनस कर लिया।
अब देखिए यहाँ सिक्स है, सेट ए में, लेकिन बी में नहीं है, तो अब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, उसी तरह से सपोज करना पड़ेगा कि उसका बी के अंदर जो सिक्स के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 0,1, क्योंकि 1,0 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ हम 0,1 रख लेते हैं। ठीक है, अब 0,1 जो है उसको चूज़ करेंगे सिक्स के लिए, तो 1 माइनस 0 कर लिया मेम्बरशिप वैल्यूज़ को, और प्लस 0 माइनस 1 नॉन मेम्बरशिप वैल्यूज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू को सम कर लिया। और अब देखें सेट बी में 7 है, लेकिन सेट ए जो है उसमें 7 नहीं है, तो अब आपने क्या करना है, इधर क्योंकि 7 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो 1,0 है, तो सेट ए जो है उसमें एलिमेंट जो है वो 0,1 रख लेंगे, और उनको अब आपने उसी तरीके से माइनस कर लेना है, तो फिर माइनस करके आपके पास ये आ जाएगा 0 माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 0, तो ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। अब इन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, अगर कहीं नेगेटिव रिजल्ट आया तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे, और उसके बाद जो है वह आप क्या करेंगे, इन सबको प्लस कर लेंगे। तो अब इन सब को प्लस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 6 यूनिट्स आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास जो है वो, क्योंकि जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो अगर आप इसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो फार्मूला आपको पता है, 1/n इंटू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए एक्स आई माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी ऑफ एक्स आई। तो इस एक्चुअली अब हम दोबारा ये सारा प्रोसेस माइनस का नहीं करेंगे जो आपने ऊपर वाले स्टेप में किया है, आप सिंपल वहाँ से 6 की वैल्यू जो है वो 6 जो है उसको पिक करेंगे और उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास नॉर्मलाइज डिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन टू इंटूशनिक फजी सेट्स ए एंड बी। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपने क्या किया है कि दो सेट्स जो हैं इंटूशनिक फजी सेट्स, उनको लेकर उनका हैमिंग डिस्टेंस फाइंड आउट किया। अब हम इसका यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है इसमें हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की है। फार्मूला आपके पास, आप लोगों को पता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स जो होता है वो ये गिवन है, समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए एक्स आई माइनस मेंबरशिप वैल्यू ऑफ बी एक्स आई होल स्क्वायर, समेशन के साथ वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर करना है जो डिफरेंस में आ रही है, और उस सारे का स्क्वायर। अब आई यहाँ जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 7 तक, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट एक्स जो है उसमें 7 एलिमेंट्स हैं। तो सेम आपने क्या करना है, उसी तरीके से पहले हमने 1 जो है उसके क्रॉस्पॉन्डिंग जो मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप वैल्यूज़ हैं उनको माइनस करना है। ठीक है, तो देखें इस वाली स्लाइड में आपने मेंबरशिप वैल्यू जो है उसको 0.7 माइनस 0.2 होल स्क्वेयर कर दिया, प्लस 0.3 माइनस 0.2 होल स्क्वेयर कर दिया। और फिर आपको लास्ट जो है वो मैंने बताया था प्रीवियसली, क्योंकि यहाँ पर सेट ए जो है इसमें 2 के करस्पॉन्डिंग आपके पास मेंबरशिप एंड नॉन मेंबरशिप वैल्यू गिवन है, लेकिन सेट बी में नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी 0,1 सपोज कर लेंगे। तो 0,1 सपोज करके 2 के करस्पॉन्डिंग आप उसी तरह से माइनस 0.2 माइनस 0 होल स्क्वेयर कर देंगे, और प्लस 0.8 माइनस 1 होल स्क्वेयर कर देंगे। तो इस तरह से आपने जो ये सारा प्रोसेस जो लास्ट एग्जांपल जो इसकी हैमिंग डिस्टेंस में किया था, जो आपने एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर ये ली हुई है, यहाँ से ये सारी जो है आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से जो आपके पास है इन सब का स्क्वेयर करके सम कर देना है। ठीक है, 0.7 माइनस 0.2 का स्क्वेयर, प्लस 0.3 माइनस 0.8 का स्क्वेयर, प्लस 0.2 माइनस 0 होल स्क्वेयर, प्लस 0.8 माइनस 1 होल स्क्वेयर एंड सो ऑन, लास्ट वाली टर्म जो है वो 1 माइनस 0 होल स्क्वेयर। तो इस तरह से आपने ये दरमियानी टर्म्स मैंने लिखी, इन तमाम स्क्वेयर्स के सम करें और उसके बाद उसका स्क्वेयर फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास इन तमाम स्क्वेयर्स का सम जो है वो 5.21 आएगा, आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो वो आपके पास आंसर जो मिलेगा 5.21 मिलेगा, और होल स्क्वेयर रूट करेंगे तो ये 2.283 आएगा, तो विच इज़ अगेन ग्रेटर देन 1। तो हम इसको नॉर्मलाइज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला भी आपको पता है, 1/n इंटू
summation of I is equal to 1 or membership value of AXI minus membership value of B of XI whole square or उसका square root. और उसमें अब आपने सिंपल क्या करना है, ये जो आपके पास टर्म है ये आप ऑलरेडी जो है यहाँ से ये वाली इसका डिस्टेंस जो है वो इसका डिस्टेंस जो है वो आप फाइंड कर चुके हैं 2.283. तो उसको आपने 2.283 को सिंपल 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0.326 आ जाएगा और विच इज़ विच लाई बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 एंड 1. तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप नॉर्मलाइज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे. तो डियर स्टूडेंट अब आपने एक एग्जांपल जो आपने नंबर 1 की हुई है ये वाली एग्जांपल, इसमें मैंने आपको बताया है कि आपने मेंबरशिप वैल्यू और नॉन मेंबरशिप वैल्यूज आपके पास गिवन है. तो आप क्या करेंगे, एल के क्रॉस पेंडिंग जो है वो 1/3, 2/3, ठीक है. ये यहाँ पर जो आपके पास एक्स की वैल्यू वो 1 है, ठीक है. तो 1 के क्रॉस्पॉन्डिंग एल जो है उसकी वैल्यू 1/3, 2/3 आ जाएगी, ठीक है. 1 अब यहाँ पर आपने 1/3, 2/3. तो इस तरह से आपने इस एग्जांपल को आप इंट्यूशनिक फल सेट्स में लिख कर जो है उसका डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करना है. ये आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करें और अगर कोई प्रॉब्लम पेश आए तो ग्रुप मुझसे पूछें. अस्सलाम.